गाइस ये है लोयल एसएमपी जो कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एसएमपी जिसमें खेलते हैं माइनक्राफ्ट के कुछ टॉप क्रिएटर्स और इनमें से ही चार क्रिएटर्स की एक टीम मेरे को धमकी देती है। एक सेकंड टेडी भाई, टेडी भाई ठीक है। हेलो पॉपी भाई, मार रहा मत भाई प्लीज मार। अबे एक से आप नंगे क्यों टेडी भाई, नंगे क्यों? अरे एक सेकंड, ये सिद्धार्थ की आईडी से कौन बोलता है? गेमबिट पता लग गया। अरे हाँ, मैंने थोड़ा सा कम लिया था बट नंगे क्यों आप? आर्मर कहाँ है? आर्मर भाई तुम्हें पता नहीं क्या कि मेरी सिद्धार्थ के साथ लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी, फिर मैंने सिद्धार्थ को मारा, मेरे को सेनपाई ने मारा। हाँ हाँ, तो बस उसके बाद से मैं प्रोग्रेस ही नहीं कर पाया। मेरे पास कोई टीम ही नहीं है, सबकी टीम बन चुकी है बट मैं बिना टीम के इधर उधर घूम रहा हूँ। अबे कॉपी भाई अब क्या करें, हम तो बदला लेने जा रहे थे भाई, एक देख के तो रोना आ गया भाई। तुम तो मेरे को मारने आए थे ना भाई, बट आप तो नंगे हो। अभी क्या तारीख है? जो भी तारीख है, अभी से 2 या 3 दिन बाद हम फिर आएंगे, ठीक है? ठीक है, तो तैयार रहे ना, सारी चीजें लेके बदला लेके जाएंगे भाई। इस बार तो आए तो मारने थे बट भाई गरीबी देख के तो रोना आ गया। चलो टेडी भाई, बोल रहा हूँ ठीक है भाई, तैयार रहूंगा वाले। इस बार आर्मर उतार के मत आना टेडी भाई। ठीक है डन भाई, अब कहने देखेंगे भाई आपका आर्मर होगा नहीं होगा। आ जाओ टेडी भाई, बाय बाय, सी यू, बाय गाइस। हेलो गेमबिट एंड सिद्धार्थ भाई, अरे रुको रुको, अरे रुको, अरे बात तो कर लो। 4 दिन पहले जिस आर्मर पे देके गया था, एक सेकंड, मैंने एन्चेंटेड आर्मर दिया था, एन्चेंटमेंट्स भी नहीं अभी आपके आर्मर में। अरे वो सॉरी, वो एन्चेंट वाला आर्मर मैंने शायद अंदर रख रखा है। हाँ ये रहा, देख रहे हो सिद्धार्थ भाई? मैं क्या देख रहा हूँ भाई, अभी तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है यहाँ पे आके इसको मारने। सिद्धार्थ भाई क्यों यार, इस लड़ाई खत्म करते ना भाई। यार खत्म कर देते यार, खत्म कर नहीं आए हैं भाई। मार के क्या फायदा हो रहा है? वही तो कह रहा हूँ, खत्म करते। आपने मेरे को मारा, मैं आपको मारूंगा। आज श्योर सिद्धार्थ भाई तुम मेरे को मारोगे? ऑब्वियसली श्योर भाई। और किस लिए आए हैं यहाँ? रुको एक तो बुक में लिख के देता हूँ। ओके गाइस, तो मतलब तुम नहीं मानोगे मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे 3 दिन का टाइम देता है और 3 दिन बाद आके वो मुझे मारेगा, बट इन 3 दिनों में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन उसी बीच मेरे पास रेक्सी आता है और उसके पास एक कमाल का प्लान था। लेकिन गाइस उससे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं कि यूट्यूब का मेरे को मेल आया जिसमें आप में से कोई एक बंदा है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और ये रहा उस चीज का प्रूफ। जो भी ये बंदा है भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड वीडियो को भी एक लाइक कर देना। एंड अब चलते हैं रेक्सी के प्लान की तरफ। बट मेरे पे ना एक आइडिया आया है, तो टास्क करने पे ये बैंक पैसे देता है, बट ये पैसे भी तो कहीं से आते ही होंगे। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, शायद एडमिन करता होगा ये सब। व्हाट इफ टेडी भाई, हाँ, ये सारे पैसे हम लोग चुरा ले, अपने पास रख ले, व्हाट इफ? अब रेक्सी के प्लान के मुताबिक सबसे पहले हम टाइम लैप्स ऑन करके बैंक के जस्ट नीचे देखते हैं कि आखिर है क्या, और वहाँ पे हमको दिखता है एक सीक्रेट रूम जिसके अंदर बहुत सारे सल्कर बॉक्सेस रखे थे। अब हो ना हो इन सल्कर बॉक्सेस में कुछ तो होगा। और थोड़ा सा और इधर उधर देखने के बाद हमको दिखता है एक सीक्रेट रास्ता, और ये सीक्रेट रास्ता किसी माउंटेन्स के बीच से निकल रहा था। तो हम सीधा इस रास्ते में जाने के लिए उन माउंटेन्स पर जाते हैं, वहाँ पर TNT ब्लास्ट करके हम इस सीक्रेट रास्ते से अंदर आते हैं। लेकिन अंदर आने के बाद हमारे सामने एक अनब्रेकेबल ऑब्सीडियन वॉल थी, लेकिन इसको तोड़ने से पहले हमको कुछ टीम मेंबर्स और चाहिए थे। तो हम निकल पड़ते हैं एक ऐसे बंदे की तलाश में जिससे हमारी आज तक कोई भी लड़ाई ना हुई हो, और ऐसा ही एक मेंबर था वोल्ट। वोल्ट को हम सारा प्लान बताते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वोल्ट ऑलरेडी डाकू गैंग का मेंबर है, और वो ये सारी बातें जाके बल्की को बता देता है। बट जैसे तैसे हम वहां से निकलते हैं, और अब चोरी करने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा कम टाइम बचा था, तो दैट्स व्हाई हम सीधा बैंक के अंदर घुसते हैं। और उस अनब्रेकेबल ऑब्सीडियन केस को तोड़ने से पहले हमको एक पासकोड को क्रैक करना था। अब क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, दैट्स व्हाई हम रैंडमली में चीजें डालते हैं, और उसका पासकोड कुछ ज्यादा इजी था जिसको हम इजीली क्रैक कर लेते हैं। और इसके बाद अंदर जाके हमको मिलते हैं पैसों से भरे सल्कर बॉक्सेस। अब बैंक लूटते लूटते मेरे पास कुछ घंटे बचे थे, एंड चैट गैंग मेरे को मारने आने वाली थी क्योंकि उनको पता था कि मेरी टीम में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। और दैट्स व्हाई उन पैसों के साथ स्टार्ट करता हूँ अब मैं अपना मास्टर प्लान। हेलो बल्कि। यो 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 भाई, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है भाई, कैसे हो यार? मस्त, तुमने तो प्रोग्रेस कर लिया टोटम वगैरह। सो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम है। कैसी हेल्प? ओके, तो देखो मैं सिंपल काम है मेरा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो सर्वर के बाकी मेंबर से। काम तो हमें भी है भाई, हमें आपको पेलना है अभी के अभी ताकि हमें आर्मर मिल सके। पैसा वेट वेट ये क्या बात हुई? चलो ओ भाई भाई पहले बता रहा था मैं, फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अरे मैं आता ही नहीं भाई, मैं आता ही नहीं भाई, क्या कर रहे हो?
किसने भेजा भाई ये तो बताओ। सिद्धार्थ ने भेजा। अरे यार ऐसे क्यों, मेरे को बता रहा था चाहिए था क्योंकि हमें आर्मर चाहिए। ठीक है सिद्धार्थ ने बोला है कि इस बंदे को मारो हमें आर्मर मिल जाएगा। अरे कौन सा आर्मर, कैसा आर्मर? वेल आपको किस कैसी टाइप की प्रोटेक्शन चाहिए? 24 आवर सिक्योरिटी और डिपेंड करते हैं कैसी सिक्योरिटी चाहिए आप। मुझे चाहिए 24 आवर सिक्योरिटी। हमको सोचने का टाइम मिल सकता है? यस श्योर। एक सेकंड रुको, मैं टीम से बात करके आता हूँ। मुझे आपको मानना है। अरे यार भाई भाई सुनो वो आर्मर रुको कब तक करना पड़ेगा ये प्रोटेक्शन? फिलहाल के लिए एक महीना करते हैं। एक महीने का प्रोटेक्शन भाई तो थोड़ा ज्यादा हो गया। और अगर आप इतना बड़ा प्रोटेक्शन मांग रहे हो तो ऑफ कोर्स आप कुछ तो कर रहे हो। कुछ है आपके पास ऐसी कोई कीमती चीज अभी? कुछ नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मैं सर्वर में कोई मेरे को मार ना पाए। दैट्स व्हाई एक महीना प्रोटेक्ट करना है। और जितना मुझे आपको देख के लग रहा है मैं 2 लाख लूंगा एक महीने का। दो लाख तो सर्वर की इकोनॉमी जीडीपी नहीं होगी भाई सर्वर की। 2 लाख यो हो गई बात। यो होगी भाई बात हो गई बड़ी जल्दी हो गई। तो देखो अगर आपको 24 आवर सिक्योरिटी चाहिए आपके बेस के आगे आपके पीछे आपके आगे सभी जगह उसके हम आपको चार्ज करेंगे 1 लाख रुपीज पर मंथ। मार सकते हो तुम मेरे को इजी मार सकते हो। मैं डायमंड आर्मर हूँ, मेरे पास कोई टीममेट नहीं है, खाना भी नहीं मेरे पास। ठीक है वो तो हमें पता ही है। हाँ ठीक है, मैं जस्ट तुमसे ये पूछना चाहता हूँ क्या वो आर्मर पैसों में खरीदा जा सकता है? यार देखो वो हमने पहले ट्राई करके देख लिया ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ भाई पैसों से नहीं मांगा। वो मेथड फेल हो गया था। वो मेथड फेल हो गया। बट क्या एक तरफ पैसे हो और एक तरफ आर्मर हो, तुम किसको चूज करोगे? एक सेकंड, कितना पैसा दे रहे हो? इतना हाँ वही तो मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। कितना पैसा चाहिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए? यार देखो 50,000 तो एटलीस्ट तुमको देना पड़ेगा क्योंकि मैंने सिद्धार्थ को ऑलरेडी चैलेंज दे दिया ठीक है। मैं उसके पास से आर्मर कैसे भी करके लेकर रहूंगा। 1 लाख रुपीज नहीं मेरे पास नहीं है भाई। 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे मेरे पास भाई? एक काम करते हैं, मैं अपने सारे पैसे देने को तैयार हूँ और करंटली मेरे पास 30,000 रुपए जो कि मैंने बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया है और ये सारे के सारे मैं डाकू गैंग को देने को तैयार हूँ। ठीक है तो मैं देखो तुम्हें 2 चीजें ऑफर करना चाहता हूँ। पहला कि तुम मेरे को मारोगे नहीं ठीक है, और दूसरा तुम मेरे को गार्ड करोगे। गार्ड करेंगे यस, तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे। देखो फिर तो मोटी अमाउंट देनी पड़ेगी सीधी। हाँ, पहले एडवांस लेंगे अपन, क्या पता आप स्कैम करके भाग जाओ। फुल पेमेंट अभी दूंगा। निकालो अभी दोगे? चलो भाई 50,000 ये तो 50,000 की फ्लैट कमाई होगी अपनी। बढ़िया भाई 50,000 देखो बहुत ज्यादा, तुम्हें भी पता है कि किसी के पास नहीं होंगे इस टाइम सर्वर में ठीक है। तो लास्ट जो मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ वो है 6,000। एक काम करते हैं अभी इसको, सुनो अभी इसको मार के हाथ वाट। देखो मैं तुम्हें 12,000 दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ 6,000 तुम्हारे आर्मर के और 6,000 तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे ठीक है। ओके ओके भाई। युग भाई देखो सीधा मुद्दे पे आते हैं, मैं तुम्हें दे सकता हूँ 5,000। पाँच नहीं भाई, छी भाई, 5 के लिए थोड़ी भाई, 5 के लिए इतना टाइम वेस्ट करूंगा? छह 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 भाई, क्या छी भाई, एडवांस पेमेंट भाई। ओ भाई कड़क नोट है, ठीक है एकदम डन, ठीक है आता हूँ मैं। ओके युग भाई बाय। अब मैंने बैंक से चुराए हुए पैसों से पूरी की पूरी बुल्स गैंग को, ओएस रोथेस्ट को एंड युग प्लेस को खरीद लिया था। और फिलहाल की बात करूं तो मेरे को टोटल सर्वर में 7 बंदे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फाइनली एंट्री होती है गेम बीट एंड सिद्धार्थ की। रुको 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 ठीक है, तो अगर तुम्हें लड़ना ही है तो गाइस ओके गाइस रुको लड़ाई नहीं करनी। तो क्या सिद्धार्थ और गेमबीट तुम्हें अभी भी लड़ना है? भाई पहले तो ये बताओ कि आपके साथ ये लोग है कौन और आपकी गैंग इतनी बड़ी कब हो गई? लास्ट टाइम जब आपको देखा था तो एक बंदा नहीं था आपके साथ, अकेले घूम रहे थे। मतलब टेडी भाई आपको जुकाम है क्या? हाँ ऐसे बीमार होके लड़ाई निकलते अरे लड़ते नहीं भाई, आराम से रेस्ट करो, क्या आप भी लड़ने आ गए? हाँ नहीं तो सिद्धार्थ और गेमबीट भाई देख लेना मेरी टीम बहुत बढ़िया, अगर तुमने आज के बाद मेरे को हाथ लगाया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज जाने दे रहे गाइस, रिलैक्स जाने दो। अब यहाँ पर मेरा प्लान कम्प्लीट होता है। अब मेरे को लगा था कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन तभी बल्कि मेरे पास वापिस आता है। तूने मेरे को एक बात बोली थी, तूने अपने सारे खाते के पैसे मेरे को दे दिए जो की थे 30,000 रूपए। तो ये रोथेस्ट ओएस ये कहाँ से हायर किए जा रहे हैं भाई? मैंने बहुत सारे लोगों के काम किए, दिहाड़ी करी और हो गए। मेरा खुद मत काट, तू मेरी बात सुन। ये तो याद है वो दिन जब मैं तू रेक्सी और वोल्ट जो है कुछ बातें कर रहे चुप चुप के,
वहाँ पे आया था। हाँ याद है, याद है। क्या वो बात सच है? अभी भी बता सकते? नहीं वो बात सच नहीं है। ठीक है फिर तू बोल ले, तो मैं जाता हूँ एडमिन के पास, तेरा बैलेंस चेक करवाता हूँ। फिर ओके, बल्कि तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है? एक सेकंड पर तेरे को भाई, पर तेरे पास तो नहीं है पैसे, तेरे पास तो जितने तूने टास्क कमाए उतने होंगे, तेरे तू क्यों डर रहा है इस बात से? चल ना, चल भाई। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से गेम बीट और सिद्धार्थ भाग जाते हैं, लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं है क्योंकि बल्कि को मेरे ऊपर शक हो चुका है। और इसी के बाद मैं अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे पता चलता है कि बैंक से जो हमने पैसे चुराए हैं वो एक वीक के नहीं बल्कि पूरे के पूरे एंटायर सीजन के पैसे हैं। मतलब कि पूरे सीजन के अंदर लोग जितने भी मिशन करके उन पैसों को लेने वाले थे वो हमने सारे के सारे लूट लिए। और फिलहाल की कुछ कंडीशन ऐसी है कि बैंक से मिलने वाले मिशन को जो भी करेगा उनको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो सर्वर के अंदर ये बहुत जल्द एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है।